हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS के कुछ नए एट्रीब्यूट्स, कुछ नए एलिमेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं CSS कलर and border attribute. We need to see these two properties of CSS because color and border ये बहुत important properties है CSS में. तो let's get started. चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम आज CSS के कलर्स प्रॉपर्टी और बॉर्डर प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। बहुत कुछ है कलर और बॉर्डर प्रॉपर्टी में, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी है जो हमने बहुत बार देखी है, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है जो हमने देखी है, उसके बाद बॉर्डर में आता है। बॉर्डर के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो कलर में भी बहुत तरीके से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कलर का जो आईडी है वो पास कर सकते हैं, या फिर RGB वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर हेक्सा वैल्यू पास कर सकते हैं कलर के लिए। तो हम कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं और उससे देखते हैं कि किस तरीके से हम कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले ही है, तो इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल डालते हैं CSS कलर एंड बॉर्डर। यहाँ पे एक और H2 एंड एंड H2 सॉरी ये CSS कलर। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, लेट्स सी। यहाँ पे हमने H1 दिया है, H1 का ऑलरेडी हमने कलर सेट करके देखा है, बैकग्राउंड कलर सेट करके देखा है। तो लेट्स सी, रिफ्रेश इट। ये है CSS का कलर और ये बैकग्राउंड कलर। तो ये जो वैल्यू है कलर, ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे दी है, ये हमने डायरेक्टली कलर यहाँ पे दिया है। आप इसकी जगह पे उसकी RGB वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है और उनकी एक RGB वैल्यू होती है। लेट्स सी, विजुअल कोड आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे RGB वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू सिलेक्ट की, यहाँ पे RGB वैल्यू उसकी सिलेक्ट हो गई। रिफ्रेश कीजिए आप, सी यहाँ पे चेंज हो गया। तो कभी कभी जब ये विजुअल कोड एंड विजुअल स्टूडियो, ये सारे टूल्स जब अपडेट नहीं हुए थे, तब आपको डायरेक्टली RGB वैल्यू यहाँ पे पास करनी होती है। तो RGB वैल्यू होती क्या है एग्जैक्टली? तो RGB वैल्यू होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 255, मतलब आपको 0 to 255 इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे RGB में दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ पे 0 दे दिया, लेट्स सी 0, इसकी क्या वैल्यू होती है? लेट्स सी, यहाँ पे ब्लैक आ गया, मतलब 0 0 0 की वैल्यू ब्लैक है, और ये जो RGB वैल्यू है ये है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके आपको कलर डिस्प्ले हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 255 देखना है,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये एटोमेटिकली चेंज हो रहा है. सी बिटवीन 0 एंड 255 आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं आरजीबी के थ्रू. तो ये जो विजुअल कोड है ये आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई से भी आरजीबी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सा भी कलर डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं. उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ देखने की या फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि इस कलर का आरजीबी क्या है और लाइकवाइज. सो यहाँ पे आपने आरजीबी वैल्यू दे दी. इसके साथ साथ आप हेक्सा वैल्यू भी दे सकते हैं. हेक्सा वैल्यू मीन्स RRGGBB. फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज लाइक #RRGGBB. दिस इज़ लाइक दिस. सो आपको इस तरीके से वैल्यू देनी होती है. फॉर एग्जांपल आपको एक हेक्सा वैल्यू देनी है. यहाँ पे मैंने दिया #0000000. इसका कलर क्या आ गया? ब्लैक. आप अगर FF तो गए एक FF ये आ गया वाइट. ठीक है, तो हेक्सा वैल्यू जो होती है आपको 0F और इसके बीच में देनी होती है रीड रेड ग्रीन एंड ब्लू. तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, आपको जो भी सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पे RGB वैल्यू दे सकते हैं. अभी हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं. लेट्स मेक इट सी. आप यहाँ जो भी वैल्यू दोगे RGB वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हेक्सा वैल्यू. तो ये तीन तरीके हैं. एक तो आप डायरेक्टली कोई सा भी कलर का नाम चूज़ कर सकते हो, या फिर आप RGB वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप हेक्सा वैल्यू दे सकते हो. जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप वो वैल्यू दे सकते हो. लेट्स सी, यहाँ पे हमको ओपेसिटी देनी है. ओपेसिटी मतलब एक ट्रांसपेरेंसी देनी है आपको इस H1 को, बैकग्राउंड कलर को जो भी आपने दिया है. ये क्या करता है कि आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपके हेडिंग और बैकग्राउंड कलर में वो डिफाइन करता है. लेट्स सी, ऐड करके देखते हैं. ओपेसिटी इसके लिए है जो प्रॉपर्टी है वो है ओपेसिटी, और हमने दिया 0.3. यस, सेव इट. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सी, ये पहले डार्क था, हमने इसकी ओपेसिटी दे दी 0.3, तो ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया. तो आप इस तरीके से किसी भी डिविजन को ओपेसिटी दे सकते हैं. ओपेसिटी लाइक यहाँ पे अगर 0.1 दे दिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सी, ये बहुत कम हो गया. तो आपको जिस हिसाब से वो सही लगता है उस हिसाब से ओपेसिटी देना बहुत ज़रूरी है. तो आपको ओपेसिटी बढ़ानी चाहिए थोड़ी ताकि वो थोड़ा विजिबल रहे. सी, तो इस तरीके से आप ओपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कलर्स के लिए. अभी आपको क्या देना है, किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर देना है. लेट्स सी, यहाँ पे H1 है, H1 को आपको बॉर्डर देना है. तो लेट्स हैव प्रॉपर्टी बॉर्डर. बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, मतलब उसका जो डेप्थ होगा वो 2 पिक्सल का है. एंड यहाँ पे हम उसको एक सॉलिड कवर देंगे. फॉर एग्जांपल वॉयलेट. लेट्स सी वॉयलेट, सेव इट. उसका जो कलर है वो दे दिया हमने बॉर्डर का. सी, यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, देख सकते हैं आप. कोई और कलर देखते हैं ताकि वो समझ में आ जाए. लेट्स सी, डार्क, सेफ.
सी अब इस तरीके से किसी भी डिवीजन को बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर के बहुत सारे टाइप्स हैं, बॉर्डर रेडियस है, बहुत सारे बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ है, सब प्रॉपर्टीज़ आप उस सब को ट्राई कर सकते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हम वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी या फिर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगी जिसके अंदर CSS के सारी प्रॉपर्टीज़ है, और आप उसके साथ CSS प्रॉपर्टीज़ के साथ उनको यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।